ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? अगर आप भी ड्रीम इलेवन खेलते हो और आपका भी सपना है कि ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग में रैंक वन आकर अच्छा खासा विनिंग करना, तो आज के इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जो ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग होता है उसमें आपको टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको मेगा ग्रैंड लीग का काला लॉजिक के बारे में बताने वाला हूं, यानी पूरा पूरी उसके गणित के बारे में बताने वाला हूं कि जो ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग होता है उसमें टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। जो कि आप सभी को पता है कि ड्रीम इलेवन में जो मेगा ग्रैंड लीग होता है ना, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको रैंक वन लाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि कई कई बार क्या होता है, एक एक करोड़ लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं, यानी एक करोड़ लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं और एक करोड़ में से आपको रैंक वन में आना है। यानी इसका मतलब है कि आपको 99,99,999 लोगों को पीछे छोड़ करके आपको रैंक वन पर आना है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि आपको 99,99,999 लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपका टीम रैंक वन में आएगा और आप अच्छा खासा विनिंग करोगे और आपका सपना भी पूरा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप सीख चुके होगे कि ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। और आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखोगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, और यहां पर मैं जो लॉजिक बताने वाला हूं उस लॉजिक से सिर्फ आप 10 मैच खेलना और 10 मैच में आपका एक मैच रैंक वन में जरूर जाएगा। मैं इस बात को लिख करके बताता हूं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो यहां से अपना ध्यान इसी पर रखना, चूंकि यहीं से आपको सब कुछ समझना है। यहां से थोड़ा सा भी ध्यान हटाओगे ना तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। फिर मुझे कमेंट मत करना कि आपने गलत जानकारी दिया। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है। आपका पहला पॉइंट क्या बोलता है कि दोनों टीम से उस प्लेयर को सेलेक्ट करना है जिसमें काबिलियत हो और जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। आप सभी को पता है कि ड्रीम इलेवन में क्या होता है, जब भी आप टीम बनाते हो तो उसमें दो टीम होता है, तो आपको दोनों टीम को एनालिसिस करना है और दोनों टीम को देखना है। टोटल आपके पास 22 प्लेयर होता है दोनों टीम मिला करके, 11 और 11। ओके, अब दोनों टीम को देखना है, यानी कि टोटल आपको उस 22 प्लेयर को देखना है और उस 22 प्लेयर में आपको उस प्लेयर को सेलेक्ट करना है। क्योंकि देखो 22 टोटल प्लेयर होता है, लेकिन आपको सेलेक्ट कितना करना होता है, 11 प्लेयर आपको सेलेक्ट करना होता है, 11 प्लेयर। तो आपको 22 में से सबसे बेस्ट 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना होगा। तो आपको देखना है कि इस 22 प्लेयर में कौन ऐसा प्लेयर है जिसमें काबिलियत हो, ठीक है, जिसमें अपॉर्चुनिटी हो और जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो, यानी उस प्लेयर को लोगों ने बहुत कम सेलेक्ट किया है। सिंपल, तो उस प्लेयर को आपको खोजना है। और हर एक मैच में 5 से 6 प्लेयर ऐसा होता है कि जिसमें काबिलियत होता है, यानी कि वो उस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला होगा और उसको बहुत लोग, बहुत कम लोग लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो उस प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखना है कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है, ठीक है, हर एक मैच में होता ही होता है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंट में क्या है कि जो रोहित शर्मा है ना, उसका पूरा पूरी रिसेंट फॉर्म खराब है, ठीक है। टोटल करीबन 8 से 9 मैच खेला, लेकिन सभी में उसका परफॉर्मेंस पूरा ही खराब है। तो बहुत लोग क्या देख रहे हैं जानते हो, रिसेंट फॉर्म को देख करके उसको इग्नोर कर रहे हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर है, कभी भी परफॉर्मेंस में आ सकता है, कभी भी शतक मार सकता है। तो आपको उसी प्लेयर को सेलेक्ट करना है, चूंकि आपको मेगा जीएल जीतना है, मेगा ग्रैंड लीग, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हट करके करना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज आपको अपने करना पड़ेगा, अपने से खोजना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बता दूंगा इस प्लेयर को रख लो, इस प्लेयर को रख लो, तो सभी लोग उसको रख लेंगे, तो आप कहां से आ पाओगे रैंक वन में, बताओ। इसलिए अपने आपको करना है। हाँ, मैं जानकारी दूंगा, मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसका उपयोग आपको खुद करना है अपने टीम को बनाने में। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि दोनों टीम को आपको एनालिसिस करना है और उसमें इस प्लेयर को, वैसे प्लेयर को आपको ढूंढना है जिसमें काबिल
काबिलियत हो और जिसको बहुत कम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या है, अब जो आपका टोटल जो 11 प्लेयर होता है ना, या फिर टोटल आपका जो 22 प्लेयर होता है, उसको तीन भाग में आपको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइनअप को देखना है, ठीक है। और लाइनअप बहुत पहले आ जाता है कि कौन कौन सा प्लेयर खेलने वाला है इस मैच में, यानी करीबन 22 से 24 घंटा पहले आ जाता है। तो सबसे पहले आपको दोनों टीम का लाइनअप को देखना है। तो आपके पास टोटल 22 प्लेयर होता है, इसको तीन भाग में आपको डिवाइड करना है और 22 प्लेयर में आपको 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना होता है। तो इस 22 प्लेयर को आपको तीन भाग में डिवाइड करना है, कितना, तीन भाग में। पहला कौन होगा, पहला होगा आपका कॉमन प्लेयर। कॉमन प्लेयर का मतलब जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% के बीच में होगा, ध्यान से समझना, 70 से ऊपर और 100 से नीचे, 70 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है। दूसरा आपका क्या है, अनकॉमन प्लेयर। इसका मतलब क्या है कि जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से 70% होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका जो तीसरा होगा वो होगा आपका गेम चेंजिंग प्लेयर, यानी कि उसको हम ट्रंप प्लेयर भी बोलते हैं, और यही प्लेयर आपको रैंक वन दिला सकता है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 1% से 30% तक होता है। तो आपको सबसे पहले इस 22 प्लेयर को आपको तीन भाग में डिवाइड करना है, समझ में आ रहा है ना। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को टीम में तो 11 प्लेयर को लेना है, तो कैसे होगा। तो अभी मैं समझाता हूँ कि आपको किस प्रकार से सिलेक्शन करना है। सिर्फ आपका काम है वीडियो को कम्प्लीट देखना और ध्यान से समझना, बाकी बात सब मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर आपको अपना दिमाग को खोल करके समझना है इस चीज को। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल जो आपका 22 प्लेयर होता है इसको तीन भाग में डिवाइड करना है, सिंपल ना। तो मान लो आपका टोटल 22 प्लेयर होगा तो आपको टीम में 22 प्लेयर तो नहीं लेना है ना, आपको 11 प्लेयर लेना है, और 11 प्लेयर वो प्लेयर होना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, जो उस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला है। तो आपको यहां से अब समझ में आने वाला है कि वो टोटल 22 प्लेयर में कौन सा 11 प्लेयर है जिसको अपने टीम में रखना है। अब देखो ध्यान से, तीन पार्ट मैंने बोला था, कॉमन प्लेयर, अनकॉमन प्लेयर और ट्रंप प्लेयर, यानी कि गेम चेंजिंग प्लेयर। अब देखो, जितना हो उसका 60% ही लेना है, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, मान लो आपने टोटल 22 प्लेयर को देखा, उसमें से आपका कॉमन प्लेयर टोटल आपका 8 आ गया, 8 आपका कॉमन प्लेयर है। 8 का मतलब, कॉमन प्लेयर का मतलब क्या कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% के बीच में है, 8 है। तो अपने टीम में तो 8 प्लेयर को लेना नहीं है ना, अगर 8 प्लेयर को आप कॉमन प्लेयर को ही ले लोगे तो अच्छा नहीं होगा ना, आप रैंक वन कभी भी नहीं आ पाओगे। तो करना क्या है कि ये जो आपका टोटल 8 प्लेयर आया है कॉमन प्लेयर में, तो इसका आपको 60% ही लेना है। जैसे कि मान लो 8 प्लेयर आया है कोई भी, तो उसका 60% लेना है, उसका 60% निकालोगे तो यही करीबन आपका 4 से 5 प्लेयर होगा। तो मान लो आपने टोटल 22 प्लेयर को एनालिसिस किया और उसमें आपका टोटल 8 प्लेयर वैसा प्लेयर है जो आपका कॉमन प्लेयर है, जिसको सभी लोग लेकर चल रहे हैं, यानी जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% के बीच में है। तो 8 प्लेयर को लेना नहीं है बल्कि उसका 60% ही लेना है, चाहे कितना भी प्लेयर हो और चाहे किसी में भी हो, कॉमन में हो, अनकॉमन में हो या फिर ट्रंप प्लेयर में हो, तीनों में से किसी में भी जितना प्लेयर हो उसका 60% ही लेना है। अगर 8 प्लेयर है तो आपको 4 से 5 प्लेयर लेना है, या तो 4 या तो 5। अगर 7 प्लेयर है तो फिर भी आपको 4 या 5 प्लेयर लेना है। अगर 6 प्लेयर आता है तो आपको 3 से 4 प्लेयर लेना है। अगर 5 प्लेयर टोटल आता है तो आपको 3 प्लेयर लेना है। अगर 4 प्लेयर आता है तो आपको 2 से 3 प्लेयर लेना है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, चाहे किसी में भी हो, कॉमन में हो, अनकॉमन में हो, ट्रंप में हो, इन तीनों में से किसी में भी जितना प्लेयर आता है आपको, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, तो उसका आपको 60% ही अपने टीम में रखना है। तो इस बात को खोपड़ी में घुसा लेना, शायद ही आपको कोई बताएगा ये वाला पॉइंट, ओके ना। तो ये था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जब यहाँ पर आप दोनों टीम को एनालिसिस करोगे, दोनों टीम के प्लेइंग 11 को देखोगे, तो आपके पास टोटल 22 प्लेयर होगा, तो आपको टीम में 22 प्लेयर तो नहीं लेना है, 11 प्लेयर लेना है, और 11 प्लेयर वो प्लेयर लेना है जो सबसे बेस्ट हो, जो उस मैच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला है, तभी ना आपका टीम रैंक वन में आएगा, सिंपल। तो यही आपको ट्रिक लगाना है, जितना भी प्लेयर है उसका 60% ही लेना है,
और देखना आपका टीम गजब का बनेगा। एक बार बना करके देखना। मैंने शुरुआत में बोला है ना कि मात्र आप इस लॉजिक से जो मैं बताने वाला हूं उससे मात्र आप 10 मैच खेल करके देखो, आपका एक मैच रैंक वन में जरूर जाएगा, जो कि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं आपको दिला करके रहूंगा। पॉइंट नंबर 3, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जब सेलेक्ट करोगे प्लेयर को ना, तो प्लेयर को सेलेक्ट करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है अभी मैं दिखाता हूं। आपको दोनों टीम का प्लेइंग 11 को देखना है, आप देख चुके होगे आसानी से। अब आपको दोनों टीम के प्लेइंग 11 में उस प्लेयर को देखना है कि कोई बैट्समैन तो नहीं है जो ओनली फॉर बैटिंग करता है और जिसका बैटिंग ऑर्डर पूरा नीचे है, यानी वो 5 से 6 नंबर में बैटिंग करता है, तो उसको अपने टीम में क्या करो, ड्रॉप कर दो, क्योंकि उसका बैटिंग आने का चांस बहुत कम है। सिंपल, यानी कि लो ऑर्डर में बैटिंग करता है जैसे कि 5 नंबर में 6 नंबर में 7 नंबर में 8 नंबर में, तो उस प्लेयर को अपनी टीम से ड्रॉप ही कर दो, क्योंकि उसका बैटिंग आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा तभी आप ग्रैंड लीग जीतोगे। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट में क्या देखना है कि कोई ऐसा बॉलर तो नहीं है जो सिर्फ पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, यानी कि केवल और केवल 1 से 2 ओवर करता है, यानी कि टीम उससे कई कई बार बॉलिंग करा लेता है, तो उस बॉलर को अपने टीम से ड्रॉप कर देना है। हो सकता है एक ही ओवर डाले और विकेट ना ले, रन पिटा दे, तो आपको पॉइंट माइनस कर देगा। इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है, दोनों टीम के प्लेइंग 11 को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सिंपल, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, अगर आपको देखना कि कोई ऐसा बैट्समैन तो नहीं है जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है यानी ओपनिंग करता है और उसका रिसेंट फॉर्म खराब हो। ठीक है, रिसेंट फॉर्म क्या है, उसका खराब है, और अगर वो बैट्समैन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तो आप अपने टीम में उसको रखना है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको देखना कि कोई ऐसा बैट्समैन तो नहीं है जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में और उसका रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, तो अगर वो बैट्समैन, अगर वो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो आपको उस बैट्समैन को अपने टीम में रखना है और रिस्क लेने के लिए उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। सिंपल, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, आपको देखना है कि कोई ऑलराउंडर तो नहीं है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है, क्योंकि ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा, लेकिन मैच में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर होते हैं जो सिर्फ बैटिंग करता है बॉलिंग नहीं करता है, और जो सिर्फ बॉलिंग करता है बैटिंग नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन ऐसा ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा इस मैच में, उसी ऑलराउंडर को अपने टीम में पिक करना है। हो सकता है बैटिंग से फ्लॉप हो जाए, बॉलिंग से आपको 2 से 3 विकेट निकाल करके दे दे, और हो सकता है बॉलिंग से कुछ ना करे लेकिन बैटिंग से आपको अच्छा खासा पॉइंट दे दे, तो आपको उसी ऑलराउंडर को अपने टीम में रखना है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कोई ऐसा बॉलर तो नहीं है जो रेगुलर बॉलिंग करता है और अपने कोटा को पूरा करता है, यानी कि 4 ओवर का बॉलिंग करता ही करता है, तो उसी बॉलर को अपने में यानी अपने टीम में रखना, उसी को पिक करना। ठीक है, जो पूरा पूरी बॉलिंग करता है, पूरा ओवर का बॉलिंग करता है, और जो रेगुलर बॉलिंग करता है और जिसमें काबिलियत हो, एक एक मैच में 4 से 5 विकेट निकालने का काबिलियत रखता है। ठीक है ना, तो हो सकता है 4 ओवर में कम से कम 2 से 3 विकेट निकाल ही ले। ओके, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कोई ऐसा बॉलर तो नहीं है जो रेगुलर बॉलिंग करता है और पूरा पूरी ओवर का बॉलिंग करता है और उसका रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, यानी बॉलर बहुत मस्त है, पूरा बॉलिंग भी करता है, 4 ओवर का बॉलिंग भी करता है, लेकिन उसको कुछ मैच में विकेट नहीं मिला है, तो उसको अपनी टीम में रखना ही रखना है और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी करना है। सिंपल ना, तो ये कुछ पॉइंट था, ये कुछ लॉजिक था जो अपने टीम को बनाते समय इसको फॉलो करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को याद रखना। अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है, नोट करके इस पॉइंट को याद रखना कि ट्रंप प्लेयर को सभी टीम में रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मान लो आप जीएल खेलते हो तो एक टीम से आप कभी भी जीएल नहीं जीत सकते हो, हो सकता है आपका किस्मत चमक जाए तो आप एक भी टीम से जीत सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टीम बनाना है और मिनिमम से मिनिमम आपको 2 टीम बनाना है। तो आप लोग करते क्या हो कि जिस प्रकार से आप टीम का कॉम्बिनेशन बढ़ाते हो ना, एक टीम बनाया, 2 टीम बनाया, 3 टीम बनाया, उसी प्रकार से आप ट्रंप प्लेयर को इग्नोर कर देते हो और सेफ प्लेयर को अपने टीम में रखना चालू कर देते हो, तो कहां से आप रैंक 1 आ पाओगे। आपका सपना है ड्रीम 11 में रैंक 1 आकर अच्छा खासा विनिंग करने का, लेकिन आप टीम बनाते हो विनिंग जोन का, तो कहां से आप रैंक 1 आ पाओगे। इसलिए ट्रंप प्लेयर को आपको सभी टीम में रखना है, चाहे आप 3 ठो बनाते हो, 2 ठो बनाते हो, सभी में आपको ट्रंप प्लेयर को रखना है।
ओके ना। और एक बात मैं आपको बता देता हूं इसका रीजन क्या है, क्योंकि फैंटेसी जो होता है ना उसमें से जो 50% लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन परसेंटेज को देख करके टीम बनाते हैं। ड्रीम इलेवन में देखता है कि इस प्लेयर को 30% लोगों ने लिया है, इस प्लेयर को 80% लोगों ने लिया है, तो इसको रख लो इस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, घंटा करेगा, क्योंकि वही प्लेयर आप चूज कर रहे हो जो सभी लोगों ने रखा है। तो अगर आपका भी पॉइंट बढ़ेगा तो उन लोगों का भी पॉइंट बढ़ेगा, तो कहां से आप रैंक वन आ पाओगे मुझे खुद बताओ। सिंपल ना, खुद का भी दिमाग लगाने का प्रयास करो। सिंपल, मैं सिर्फ बताता हूँ, कॉपी मत करना। ओके, अपने से लॉजिक लगाना है, अपने से दिमाग लगाना है। मेरा काम है सिर्फ सिखाना और उसको अप्लाई करना आपका काम है अपने टीम में। ओके ना। उसके बाद जो 20% लोग ऐसे होते हैं जो प्लेयर का बड़ा नाम देख करके उसको अपने टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको अपने टीम में रखेगा ही रखेगा, भले ही इसका परफॉर्मेंस कितना भी खराब क्यों ना हो, भले ही उस मैच में उसको माइनस में पॉइंट दे दे, लेकिन उसको रखेगा क्योंकि उसका फैन है ना, फैन बन चुका है। जैसे कोई बंदा है विराट कोहली का फैन है तो विराट कोहली को हर एक टीम में रखेगा, चाहे वो माइनस पॉइंट क्यों ना दे, चाहे उसको पूरा पूरी हरा भी क्यों ना दे। तो यहाँ पर आपको फैन हटा देना है कि मैं इस प्लेयर का फैन हूँ, क्योंकि फैन रहोगे ना तो आप ड्रीम इलेवन में रैंक वन कभी भी नहीं आ पाओगे, सपना छोड़ दो। सिंपल ना। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लॉजिक के बारे में बताया है जो आपको शायद ही कहीं पर मिलने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस लॉजिक को अप्लाई करके हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका रीजन क्या है अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना रैंक वन लाने में, वो है आपका टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप टीम कितना भी बेहतरीन बना लो लेकिन आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन सही से नहीं चलाना तो आप रैंक वन क्या विनिंग जोन से भी बाहर हो सकते हो। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि मेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, और मैंने वहां पर ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में बताया है ना। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो ना तो मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आपका हर एक मैच में कैप्टन बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देगा और कोई ऐसा मैच नहीं होगा जिसमें कैप्टन आपका फ्लॉप हो जाए। तो इस वीडियो को देख लेना, इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैं इस बात का गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो का कॉम्बिनेशन और कैप्टन और वाइस कैप्टन के वीडियो का कॉम्बिनेशन दोनों को अप्लाई करके आप सिर्फ 10 मैच खेलोगे ना तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि एक मैच में आप रैंक वन जरूर लाओगे, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके सही से इस लॉजिक को अपने टीम में अप्लाई करते हो तो। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, तुरंत टीम को किसी भी तरीके से बना देता है, मात्र उसमें टाइम भी नहीं देता है। सपना है उसका करोड़ों का रैंक वन आने का, लेकिन वो टीम बनाने में 5 से 10 मिनट का समय भी नहीं दे पाता है। तो कहां से फ्री में पैसा नहीं मिलता भाई, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद से टीम बनाते हैं, वही रैंक वन आता है, इस बात को याद रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।